ये जो आपको मेरे हाथ में वाइन की बॉटल दिख रही है, ये मेरी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है और मुझे बेहद खूबसूरत लगती है। सो वैसे तो मैं वाइन पीती नहीं हूँ, पर ले चलती हूँ आज आपको वाइन यार्ड। तो हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप सब सब मज़े में होंगे। तो चलिए, आज हम पहुँच रहे हैं किसी ऐसी खास जगह जो भारत का पहला हेरिटेज वाइन रिजॉर्ट है और ये सभी उम्र के लोगों को पसंद आता है। एक्चुअली क्या है, ये भारत में शराब का एक प्रमुख उत्पादन करने वाला यार्ड है। तो चलिए आज आपको इस वाइन यार्ड का हम पूरा एक टूर देते हैं और आपको बताते हैं आप यहाँ कैसे जा सकते हैं और कैसे आप इसका आनंद ले सकते हैं। सो हम पहुँच गए सुला वाइन यार्ड के अंदर और ये एक यहाँ पे डायरेक्शन बोर्ड है जो मुझे बेहद ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे आप फोटो ज़रूर क्लिक करवाइएगा क्योंकि यहाँ पे आपको लिखा हुआ सिंगापुर नासिक से कितना दूर है, दुबई कितनी दूर है, सब चीज़ों के बारे में। सो अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ एंट्री फीस है जो वर्किंग डेज़ में है वो 600 है और शनिवार रविवार को 1000 रुपये है। और वो जो 1000 रुपये की आप एंट्री फीस लेंगे, आप अंदर खा पी सकते हैं और अपने मन की वाइन ले सकते हैं। मतलब उस 1000 रुपीज़ को आप वहाँ जाके रिडीम कर सकते हैं। इस हिसाब से वो एंट्री फ़ीस आपकी बनी हुई है। अगर आप 1000 रुपये से ऊपर की कोई चीज़ लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। देन उसके अलावा वाइन टूर है जो आपका सिर्फ वाइन कैसे रखा जाता है उसके टूर के बारे में अगर वो देंगे आपको तो 200 रुपये पर हेड है। इसके अलावा अगर आप टेस्टिंग और टूर दोनों लेते हैं, जिसमें ये पूरा जो आपके 6 तरीके की वाइन को ये टेस्ट कराते हैं, अगर आप वो लेते हैं और उसके साथ टूर लेते हैं कि आपको कहाँ कैसे जो वाइन होती है उसको रखा जाता है, कैसे एज किया जाता है, तो वो 600 रुपीज़ में आपको कराते हैं। और यहाँ पर रिजॉर्ट भी है जो आप यहाँ जाकर रुक सकते हैं। और ये हमारे यहाँ पूरे जो हमारा ग्रुप है वो दिखा रहा है दुनिया वाइन पीने आती है और हम लोग यहाँ पानी पी रहे हैं और कॉफ़ी पी रहे हैं। सो आप इनको भी हमारे साथ साथ देखते रहिए। तो हम आपको बता रहे थे यहाँ रिजॉर्ट और होटल के बारे में जो है द सोर्स करके, और उसके स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 7000 रुपीज़ पर नाइट है। दूसरा है बियॉन्ड बाय सुला और वो भी काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट है, वो पूरा एकदम नदी के किनारे है, आपको अच्छा लगेगा। सो आप यहाँ जाइए, जनवरी टू मार्च जा सकते हैं, अदरवाइज जाने के लिए हर मंथ बहुत अच्छा है इसका, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। और आप नासिक के आसपास की काफ़ी चीज़ें यहाँ पे घूम सकते हैं और भी यहाँ ढेर सारे वाइन यार्ड हैं, पर उसमें से सबसे बेस्ट सुला ही है जो मुझे काफ़ी पसंद है। ये मेरा तीसरा ट्रिप था। सुला भारत की सबसे ज़्यादा अवार्डेड ब्रांड है और ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो पूरा का पूरा वाइन यार्ड का टूर ज़रूर करें, भले ही चाहे वाइन टेस्ट करें ना करें, दूसरों के लिए भी अगर आप गए हैं तो जो शौकीन है उनके लिए ज़रूर वाइन खरीद के लाएँ, इससे आपका पैसा भी वसूल हो जाएगा। भाई हमने तो ऐसे ही किया था। और जो यहाँ पर गए हैं वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। देखने के लिए वीडियो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।